नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 19 जुलाई 2023, समय 9:11 और 22 सेकेंड हो रहा है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है यानी कि निफ्टी 53 पॉइंट ऊपर हो रहा है 19,800 के पास में, और बैंक निफ्टी 211 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है यानी कि 622 के आसपास में। तो देखिए 622 अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न था, जैसा कि कल मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी और निफ्टी वाले एनालिसिस में, और ये 622 के पास में ओपन हो रहा है यानी कि अपने इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। एक टारगेट ऊपर 45,900 के आसपास मिल सकता है, 46,000 के आसपास मिल सकता है, फिर वहां से रिजेक्शन आने के चांस बनेंगे। इसी तरह से अगर नीचे की तरफ में ये मिल जाता है 500-550 के आसपास में बैंक निफ्टी मिल जाता है यानी कि 45,500-400 वापस अगर एक बार आता है तो फिर से एक बार यहाँ पे खरीदारी का मौका बन सकता है। हालांकि अगर 200-300 जो कल का लो था अगर वहां पर मिले तो वेल एंड गुड, गोल्डन चांस हो जाएगा, नहीं तो 500 के आसपास में वापस आता है 450 तो वहां पे भी खरीदारी बन सकती है। इसी तरह निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, ऊपर की तरफ में 19,800 पर ओपन हो रहा है यानी कि इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर में ओपन हो रहा है, और अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 825 का, तो थोड़ा वेट करके चलेंगे। थोड़ा सा आज मिडवीक सेशन है यानी कि बुधवार है, तो प्रीमियम ईटिंग डे हो सकता है, तो आज हो सकता है ऑप्शन बैंक निफ्टी और निफ्टी को अवॉइड करने का मैं कोशिश करूंगा। स्टॉक्स में कुछ स्पेसिफिक मिल जाए तो वहां पर फिर मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, तो वेट एंड वॉच करते हैं। बाकी मूवर्स स्टॉक देखते हैं तो इंडसइंड बैंक लगभग 3% ओपन हो रहा है, गैप अप खुल रहा है, और अगर लूजर में देखा जाए तो नीचे M&M खुल रहा है 1500। तो ये तो जितना नीचे खुले मुझे उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा इसमें ऑलरेडी ऊपर के भाव से जो है, मैंने जब ये ऊपर 1570-80 पे था तभी तो मैं पुट लिया हुआ था, तो इसमें ठीक ठाक चल रहा है मेरा, तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। यहाँ से पॉली कैप में एक मूवमेंट बन सकता है तो वेट करके चलेंगे दोस्तों। पॉली कैप पॉली कैब दोस्तों एक अच्छा मूवमेंट लग रहा है। पॉली कैब अगर देखें, पॉली कैब एक स्टॉक है जो काफी ऊपर खुला है, देखते हैं पॉली कैब में क्या कोई पुट ऑप्शन का व्यू बनता है या नहीं बनता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक पुट ऑप्शन लेने का पॉली कैब में, वेट करेंगे पॉली कैब में, और 420 का खुलते के साथ ट्रेड करते के साथ लॉस दिखा रहा है, अब 630 का प्रॉफिट दिखा रहा है। देखिए पॉली कैब काफी ऊपर खुला है, डेली के आप चार्ट पे देखिए तो 130 पॉइंट ऊपर खुल चुका है, 130 पॉइंट भाग चुका है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 130 पॉइंट जा चुका है, 128 पॉइंट जा चुका है, तो मैं वेट करता हूँ। पॉली कैब एक मूवमेंट बन सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए और राउंड नंबर का एरिया 4200 को क्लेम करना चाहिए, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलते हैं पॉली कैब में। सिचुएशन अभी 360 का लॉस आपको यहाँ पे दिखा रहा है, तो वेट करते हैं। पॉली कैब दोस्तों कैश का स्टॉक्स देखिए, कैश में ऊपर 4253 ट्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं पॉली कैब में। और अभी इसने लो 4250 का मारा था, इसके नीचे ही आप भी अगर सेल कर सकते तो आपको भी प्रॉफिट बनेगा, लेकिन 4350 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना होगा, ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो अभी जो मेरा पोजीशन चल रहा है, देखिए अब 1170 का प्रॉफिट हो गया, 1440 हो गया, 1485 हो गया, तो देखिए 4000 वाला जो पुट ऑप्शन है ना, इसका मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। देखिए बहुत अच्छा, अगर सुबह का बोहनी हो जाए तो दुकान खोलिए, कस्टमर लाइन लगा के बैठा रहे आपके लिए पैसा देने के लिए, और पैसा हो भी जाए तो क्या प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए? तो आंसर आएगा हाँ हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए भैया, जरूर करना चाहिए। तो एक बार देखते हैं पॉली कैब में एक छोटा सुबह का मूवमेंट बुक कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, पॉली कैब वेट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, समय 9:37 और 10 सेकंड हो रहा है, तो देखिए आप मेरा पोजीशन देखना चाहेंगे तो जरूर देखिए, 1536 आप 1670 का लॉस हो रहा है। देखिए जो 1400-1500 का प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाए तो लॉस में आ गया, खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट करूंगा प्रॉपर और देखते हैं कि इसमें अभी हमें क्या रिजल्ट बनता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, मेरा लॉस होगा मेरा प्रॉफिट होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, बस वेट करना है पॉली कैब में। पॉली कैब एक जबरदस्त ऊपर के तरफ में भागा है, देखिए आज ही के दिन में अगर पॉली कैब 170 पॉइंट भाग गया है ना, अगर आप इसको देखिए इसका डेली का चार्ट आप देखेंगे सबसे पहले, तो डेली के चार्ट में एक पिछले 10 जुलाई से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और आज 17वां दिन है जब, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आज 8वां दिन है जब ये सिर्फ पॉजिटिव चलने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक भी दिन पिछले 10 दिनों में 8 दिनों में एक दिन भी इसने रेड में क्लोज नहीं किया, रेड सिग्नल नहीं दिया है, तो
आज है मिड वीक सेशन, अब कल है एक्सपायरी बृहस्पतिवार, तो हो सकता है यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखना मिल सकता है आपको। और अगर इसका छोटा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना, तो कम से कम 150 से 200 पॉइंट का आएगा, यानी कि 42,000 के लेवल को क्लेम कर सकता है नीचे के एरिया में वापस से। तो बस हमें वेट करना है कि ये कितना देर में आता है नीचे, हमें वेट करके देखना है कि ये आज आता है या कल आता है, बस समय का इंतजार करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो वेट करते हैं, और अब मेरे सामने, आपके सामने मेरा यही पोजिशन है, है ना। तो प्रॉफिट लॉस चलता रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी के मात्र 1056 का लॉस बचा है। अभी आप देखते जाएंगे कैसे कैसे ये ट्रेड होगा और कैसे कैसे ये नीचे आएगा। देखिए आ रहा है 4290 के नीचे, आप फिर से सेल कर सकते हैं। हालांकि एक बार ऐसा कट गया होगा, लेकिन इसमें सेलिंग के पोजीशन बनेंगे। सेलिंग का पिछले 7-8 दिनों से ये कंटिन्यू ऊपर ही भाग रहा है भाई, ऐसा क्या है? सोना थोड़ी हो गया है, हीरा जवाहरात हो गए हो जो ऐसा भागे जा रहे हो? हाँ क्या है तुम्हें, क्या हो गया? सुरखाब का पंख लगा है, कुछ तो है इशू जो इसके वजह से लोग सिर्फ बाइंग के साइड में इसको जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जितने लोग घुसे हैं नीचे से इस एरिया से ऊपर तक में, वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा अपनी, कहीं तो बुक करेगा भैया, कहीं तो करोगे। तो करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ, बस तुम प्रॉफिट बुक करो, मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 12:42:54। देखिए 4100 के पुट में मैं बना हुआ हूँ, और इसमें मुझे भयानक, क्या कहते हैं, भयानक लॉस हो रहा है, 1725 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अभी मैं वेट करूंगा। आपको पता है सर, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो इतना लॉस नहीं लेंगे तो कितना लॉस लेंगे? कल मैंने 8,000-9,000 कमाया भी तो है, तो 2-3,000 का लॉस भी ले सकता हूँ, है कि नहीं? तो चलिए अभी वेट करेंगे हम लोग पॉली कैप में। देखिए पॉली लैब कैश का चार्ट अगर है, तो कैश का चार्ट में तो आजा भाई निगेटिव ही है। देखिए कुछ कुछ इंडिकेटर भी अगर आप यूज करते हैं, जैसे SMA EMA वगैरह, वहाँ पे भी ये थोड़ा निगेटिव दे रहा, लेकिन समस्या ये है कि है, अब चूंकि मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया, तो ऑप्शन में तो टाइम इंपॉर्टेंट है ना। टाइम अगर नहीं बचेगा तो ये साइडवेज हो गया, साइडवेज हो जाने के बाद क्या होता है, प्रीमियम खाता है। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज भी लिख दिया था कि आज प्रीमियम ईटिंग डे है। बुधवार को क्या होता है, बुधवार सेलर का डे होता है, सेलर का, और सेलर लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम खाते हैं ना। और आप देखिए किस तरह से ये जो है यहाँ पर एकदम फंस गया है, मामला एकदम फंस गया, ये देख रहे, ये होता है बायर का दिन होता है सोमवार शुक्रवार ये सब होता है, और सेलर का दिन उसके बाद होता है मंगलवार बुधवार गुरुवार ये सब होता है। यहाँ देखिए आज बुधवार ये से ऐसा साइडवेज हुआ है कि सारा प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे लॉस है ये 2000 के आसपास का, तो वेट करके चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, देखते हैं आज सिचुएशन क्या बनता है। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 1:18:35, और यहाँ पे 2000 का लॉस हो रहा है। तो देखिए समय काफ़ी हो गया, और ये बिल्कुल पॉली कैप जो है एक साइडवेज मूवमेंट में फंस गया। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी तक वो साइडवेज जोन में फंसा हुआ था, जिसके वजह से यहाँ मामला जम नहीं रहा है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो शायद मुझे 2100 रुपये का लॉस लेना पड़ेगा। तो मैं लॉस ले लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो आज 2100 का लॉस बुक कर रहा हूँ, लेकिन व्यू मेरा सेल साइड में पॉली कैप में, ये मैं क्लियर हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।